केम छो, मजा मचो, मजे में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि आप मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोग मेरे बच्चे जैसे हैं, माँ तो सोचती ही है ना बच्चों के बारे में। तो बाहर मत जाइएगा और जाना पड़े तो सैनिटाइज, मास्क और भीड़ से दूर, ठीक है? सेफ रहिए और मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखा कीजिए, हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। स्किप मत किया कीजिए, ठीक है? ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी कराती हूँ। फ्रेंड्स, पर्सनल हीलिंग कराइए अपने अपनी और अपने पर्सन की, उसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये होता है कि जैसे हमारे सातों चक्र एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे को समस्याएं होती हैं, धोखा मिलना, प्यार ना मिलना, पति का बाहर जाना दूसरी औरत के पास, और हमारा कुछ ना कह पाना। तो ये सब चक्र के हेर फेर हैं, इन्हें हील करवाइए, ठीक है? पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, जैसे कि मनोचिकित्सक के पास जाते हैं आप, अपना दिल दिमाग हल्का करते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं ये सब बोलने के लिए। मैं आपकी एज अ फ्रेंड की तरह बातें सुनूंगी, ठीक है? टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए बेसिक, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, घर से ही कमाते हैं और इससे इज्जत भी बढ़ती है। पति और ससुराल वाले और आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब बहुत इज्जत करने लगते हैं। आप समझिए इस बात को, माना ये महंगा है लेकिन आपको कितनी इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसे की पावर मिलेगी, आपके पास एक पावर होगी, घर से ही बैठ के आप कमाएंगे, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, कितना कुछ होगा तो आप सोचिए, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं, जिनको करवानी है बुकिंग करवाइए। और अगर मैं उस टाइम फ्री होंगी, चाहे मुझे अपना खाना पानी सब छोड़ना पड़े, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो ये सब करिए। जो लोग नए आए हैं कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत जिन लोगों ने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रे किया है, मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है, उनको तो शत शत नमन, आभार, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। आज की रीडिंग किस बारे में है? आज की रीडिंग है आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है? आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और सबसे पहले हम देखते हैं ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है बताइए यूनिवर्स। ये आज मैंने एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, छोटा मोटा बताने के लिए, ठीक है? देखिए, मैनिफेस्टेशन कर रही है थ्रू वाटर, गोइंग विद द फ्लो, मौज मस्ती चल रही है उसकी तो, फ्रेंड्स, एडवेंचर चल रहा है। और बिल्ली जरूर होती है काले जादू की इसके साथ, ये देखिए काला जादू तो इसके साथ ही मतलब रेजोनेट होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, रीडिंग रेजोनेट हो तो रख ले, ना हो तो ना रखें, तो इसके साथ रेजोनेट होती है बिल्ली, बिल्ली मतलब काला जादू, काले जादू की मलिका, मालकिन। प्रेयर्स एंड विशेज, ओ हो, एफर्मेशंस, विशेज, प्रेयर्स सब कुछ कर रही है वेल में सिक्का डाल के, ठीक है? बहुत शानी बंदी है ये, एयर मैजिक, ओ हो, हवा से भी, ये देखिए धूप को जलाकर हवा से मैजिक कर रही है, मंत्रास, ये वो, मतलब है ये बुरी, लेकिन ये पूजा पाठ भी करके अपने सारे कर्मास को क्लेंस करना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला तो ऊपर वाला है ना फ्रेंड्स। बुरे लोग कितना भी पूजा पाठ कर लें, उनका साथ कभी नहीं देते भगवान जी, यूनिवर्स। पॉजिटिव चेंज के लिए एफर्मेशंस कर रही है, इसलिए आपको भी मैं बोलती हूँ एफर्मेशंस कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए। देखिए दो कार्ड्स थे, गिव लव, ओ हो, बड़ा प्यार दिया जा रहा है आपके पर्सन को आजकल। तो इसकी जिंदगी में तो ये सब हो रहा है, एक्सेप्टेंस का एफर्मेशन कर रही है, देखिए तो सही कितना ज्यादा प्रेयर्स, एफर्मेशंस कर रही है, मैसेजेस भेज रही है आपके पर्सन को। तो मैं ये आपको बोलती रहती हूँ, प्रेयर्स भेजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्मेशंस भेजिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव मैसेजेस भेजिए, देखिए तो सही थर्ड पार्टी क्या कर रही है, देखिए तो सही।
लिसनिंग टू विजडम, देखिए दिमाग लगाती रहती है, लिसन करती रहती है सब जगह। आज हम 8 कार्ड्स ही निकालेंगे इनके, ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए, वाओ, इसके लिए भी अफर्मेशंस कर रही है। फ्रेंड्स सुधर जाइए, फ्रेंड्स आप लोग भी कीजिए, देखिए कितनी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस प्रेयर्स वगैरह करती है ये, आने वाले कुछ घंटों में ये करेगी, ठीक है। और आपके लिए देख लेते हैं, आप आने वाले कुछ घंटे आपके और आपके पर्सन के लिए, ये तो मैंने थर्ड पार्टी को बता दिया कि क्या कर रही है वो आने वाले कुछ घंटों में क्या क्या करेगी। एफर्मेशंस प्रेयर्स विशेज मैनिफेस्टेशंस यही कर रही है वो। देखते हैं आपके और आपके पर्सन क्या करते हैं आने वाले कुछ घंटों में। एंजाइटी, ओहो फर्स्ट चक्र आकेजन माइकल, ये तो मेरे फेवरेट है, प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन। रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ घंटों में थर्ड पार्टी का मैंने बता दिया आपको। डिसीट, ओहो कैसे कार्ड निकल रहे हैं ये। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग हो रही है। ऑल टाइड अप, ये तो ज्यादातर आपकी उसमें आता है, ऑल टाइड अप रीडिंग में। स्टॉर्म वार्मिंग, ओके। यिंग यांग, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, पेशेंस, वो तो रखनी ही पड़ेगी जब एंजाइटी है तो। और बॉटम में निकला है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, अब इसको कर लेते हैं हम क्लैरिफाई। फ्रेंड्स शांत रहिए, देखिए कार्ड्स गिर रहे हैं, शांत रहिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखेबाजियां, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आने वाले कुछ घंटों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होगा। सेवन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड भी आए हैं, बुरे कार्ड भी आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या चाहते हैं आपके पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, और बॉटम में निकला है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दिल की रानी तो मानते हैं आपको, ऐसी क्या बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम राशियां बता देती हूँ मैं आपको। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैंड्स के भी कार्ड आए हैं फायर साइन एरीज सजिटेरियस लियो, कप्स के भी कार्ड आए हैं वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दोबारा से मैं राशियां बोल रही हूँ, जरा चेक कर लीजिए आपकी है या नहीं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज सजिटेरियस लियो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अब हमने देख लिया कि आने वाले कुछ घंटों में ये थर्ड पार्टी बहुत मैनिफेस्टेशन करने वाली है, प्रेयर्स एफर्मेशंस विशेज सब कुछ करने वाली है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में। देखिए आने वाले कुछ घंटों में कंफ्यूज रहने वाले हैं आपके पर्सन, ये देखिए कन्फ्यूजन के कार्ड, ठीक है। चीटिंग, दोबारा से वो थर्ड पार्टी के पास जाने वाले हैं क्योंकि वो एफर्मेशन से इतनी कर रही है, फिर से वो कंट्रोल करने वाली है थर्ड पार्टी उन्हें, फिर से वो मझधार में जैसे
खिवैया नैया को पार लगाता है वो ही करते रहेंगे, आएंगे है नहीं, नेक्स्ट एक्शन लेंगे नहीं, सोचेंगे आपके बारे में। लेकिन वही बात है कि ये थर्ड पार्टी तो बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस, सब कुछ बांध के रखना है। स्टॉर्म वार्मिंग ये है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस कर रही है थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, तो स्टॉर्म वार्मिंग आपकी यही है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको भी एफर्मेशंस और सब कुछ करना है, तो पॉसिबिलिटीज होंगी कुछ अच्छा होने की, सुख भी होगा दुख भी होगा, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है। धोखा दिया जा रहा है आपके पर्सन उसके पास वापस जा रहे हैं, आ आकर वापस जा रहे हैं, और मुझे पता है आपको इस बात से अब एन्जाइटी हो जाएगी, इस बात से एन्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तरह थर्ड पार्टी की तरह आप प्रेयर्स एफर्मेशंस पॉजिटिव मैसेजेस क्यों नहीं भेजते अपने पर्सन को, बोल बोल के थक गई मैं, बोल बोल के थक गई, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं। लेकिन प्रोटेक्शन करेंगे आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन करेंगे आप लोगों की और आपके पर्सन का होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उनकी हीलिंग दिख रही है। लेकिन वही बात है ना, उसकी एफर्मेशंस और प्रेयर्स की वजह से वो उसकी तरफ वापस जा रहे हैं, फिर से वो सोच रहे हैं कि ये फिर से मेरी है, और वो भी सोच रही है ये मेरे ही मेरे हैं, प्यार का ऑफर दे रही है, और फिर से वही इनकी यही हालत जो काले जादू के बाद होती है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्यार आपको ही समझते हैं वो। तो देखिए कार्ड आया है एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस का, अगर आप करेंगे तो इसकी चीटिंग, थर्ड पार्टी की चीटिंग दिखेगी उन्हें, समझिए बात को, ठीक है। फिर वो भी आपको प्यार का ऑफर देंगे, ठीक है। और कोई ब्लॉकेजेस हैं जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, ये आपकी मदद कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना होगा, फिर क्या होगा, न्याय होगा आपके साथ, और फिर ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, आप हैप्पी फैमिली पा सकेंगे, ठीक है। सूरज को जल दिया कीजिए, सूरज की तरह चमकेंगे, और फिर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू आएगी, और फिर आप में भी स्ट्रेंथ आएगी, और आप भी एक सुंदर औरत की तरह पैसे वाली औरत बन जाएंगी और अपने पति को अपने वश में कर पाएंगी। प्रेयर्स एफर्मेशंस पॉजिटिव वाइब्स भेजिए भेजिए भेजिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग्स, रीडिंग, ठीक है। सुख है तो दुख है, कोई बात नहीं, दुख है सुख भी आएगा, बस पेशेंस रखनी है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, और इस एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं होना है, एन्जाइटी डिप्रेशन सैडनेस लोनलीनेस बिल्कुल नहीं होना है, खुश रहना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, गाइडेंस क्या आई है, आज हम एंजल्स से गाइडेंस लेंगे, ठीक है आप लोगों के लिए। दुखी मत होइए, ये एफर्मेशंस प्रेयर्स कर रही है तो आप भी कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी दुखी मत होइए। इसीलिए तो कहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स कीजिए, पर्सनल रीडिंग कराइए, बहुत ज़रूरी है ये सब। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, ईज एंड ग्रेस, बहुत आराम से रहना है, ग्रेसफुली रहना है, बिल्कुल भी हबड़ तबड़ नहीं करनी, उदास नहीं रहना है, ठीक है। बहुत आराम से रहिए, बहुत आराम से, आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे मेडिटेट करेंगे तो सोचेंगे भी अच्छा, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, दुख नहीं, एन्जाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। पावर एंड इंटेंशन, पावर अपने आप में पावर लाइए, और ये सब आती है मंत्रास चैंट करके, भगवान के मंत्र बोल के, पूजा पाठ करके, सूर्य देव को जल चढ़ा के, चंद्र देव के रिचुअल्स करके और मेडिटेट करके, इसी से आती है पावर। एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके, ये देखिए आर्क एंजल माइकल आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो मैं बोल ही रही हूँ आपको। साइंस एंड रिमाइंडर्स, बटरफ्लाइज दिखती होंगी, चिड़िया दिखती होंगी, कैटरपिलर भी शायद दिखते होंगे,
फेदर्स दिखते होंगे, तो ये साइंस हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये एंजल्स के साइन होते हैं कि हम आपके आसपास हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक्सपेक्ट मिरेकल्स, कुछ चमत्कार होने वाला है आप लोगों के साथ। और कुछ आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर नो है, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, फ्रीडम आ रही है, जो आपको फ्रीडम नहीं मिलती थी कुछ करने की, तो वो फ्रीडम भी आ रही है। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, सुख शांति आने वाली है, ठीक है। और कुछ आप रेजोल्यूशन करने वाले हैं कि मैं अब ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, तो वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। कंपैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप, वो पैशन पैशन आपके पर्सन के लिए ही है, वो तो मुझे पता है। तो कंपैशन हो रहा है, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत याद आ रही है उनकी, बहुत प्यार याद आ रहा है, बातें याद आ रही हैं, मुझे पता है कंपैशन हो रहा है। तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी होनी चाहिए और एक्शन लेना होगा, ठीक है। बस एक बार वो वापस आ जाए फिर सब कुछ होगा। रीयूनियन, वापस का मैंने बोला, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, रीयूनियन होने वाला है। फ्रेंडशिप की तरह वो पहले फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे, फिर प्यार ऑफर करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे उनका प्यार, तो सबसे पहले वो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, वो फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे, फिर जब देखेंगे कि मूव ऑन नहीं करी मेरी व्यूअर, मेरी पर्सन, तो वो आपसे रीयूनियन करेंगे, आपको प्यार ऑफर करेंगे, ठीक है। ओ यस का कुछ आपने आंसर, कोई क्वेश्चन पूछा था, यस का आंसर आ गया है। और बॉटम में आया है टेक अ स्टेप बैक, अभी थोड़ा सा पैर पीछे ले लीजिए, कदम पीछे ले लीजिए, हटा लीजिए जो आप सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए कि क्या होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है और आपके पर्सन और आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से साइंस और ये सब थी गाइडेंस तो आप लोगों के लिए थी। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल हीलिंग कराइए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है आपके और आपके पर्सन के लिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी कीजिए बेसिक, क्योंकि उससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, इज्जत आएगी, पति भी इज्जत करेगा, वापस भी आ जाएगा, एक्शन भी जल्दी ले लेगा, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, आने का। तो यूनिवर्स ने आपको ग्रूम होने के लिए टाइम दिया है, और ग्रूम होइए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव दिखाइए और सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए। टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स सीखिए, घर से ही पैसे कमाने लगेंगे और हील भी करेंगे लोगों को, कितनी अच्छी बात है। पर्सनल रीडिंग के मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं, बुकिंग कराइए, और अगर मैं फ्री होंगी उस टाइम तो मैं उसी टाइम आपकी रीडिंग कर दूंगी। जो लोग नए आए हैं कृपा करके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगा, थैंक यू। और जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, एनकरेज किया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स मैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चार्ज करके एक्टिवेट करके भी देती हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, प्यार के लिए, प्यार पाने के लिए, हासिल करने के लिए, कोई धोखा ना दे, ब्लैक मैजिक और ब्लैक नज़र के उपाय से बचने के लिए, ठीक है। चार ब्रेसलेट्स हैं, ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड पिंक, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे कोई सलाह लेनी है, मैं वो भी देती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, कुछ फ्री नहीं है, पे से है, पेमेंट से है, सब कुछ, ठीक है। तो आज जो ये स्थिति आई है, इसमें मैं कौन सा गाना गाऊं आपको खुश करने के लिए? कौन सा गाना गाऊं आप लोगों को खुश करने के लिए? चलिए मैं ये गाती हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी
यही खुशियाँ, यही है छाओ धूप, ये जीवन है। तो यही जीवन है, सुख दुख यिंग यांग सब कुछ है। दुख है, सुख है, दिन है, रात है, आज दुख है, कल सुख है। तो पेशेंस रखिए, इस एनर्जी में तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल। होने दीजिए जीवन में ये थर्ड पार्टी, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता बुरा, ठीक है। पावर लाइए अपने में फ्रेंड्स, पावर लाइए, ब्लेसिंग्स आएंगी, अबेंडेंस आएगा। और सबसे बड़ा बढ़िया जो कार्ड आया है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, चमत्कार तो होने ही वाला है, और चमत्कार को नमस्कार तो सभी करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग कराइए, पर्सनल रीडिंग कराइए, पर्सनल रीडिंग कराइए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अलविदा, बाय बाय।